जय माँ शेरावाली। भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के इस अंग में आइए सुनते हैं दसवां अध्याय। ऋषि बोले, प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गा, बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी विभूतियां हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियां उस देवी के शरीर में समा गई, अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति समेत अनेकों विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी, अब मैंने सभी रूप समेट लिए, अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जाए। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी अंबिका दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ती, दैतेंद्र उन्हें निवाकर के अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य के छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती जाती। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैतेंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर प्रहार किया। उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को अंबिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिए। रथ के घोड़े सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, तब तो भयानक मुग्धर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। आते ही उसके मुग्धर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ, तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां से निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह पहले पहल सिद्ध मुनियों को विस्मयकारक था। जब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया, तो देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तानकर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से छत विशत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, दूसरे बाजे बजाते अप्सरागण नाचने लगे, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्ज्वल होकर चलने लगा, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी, सभी दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ चंडिका।